हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एग्रीकल्चर टिप्स एंड ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो आपको इसकी पता ही है कि मार्च अप्रैल का महीना शुरू हो गया है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस महीने कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आज मैं बताने वाला हूँ मार्च और अप्रैल के महीने में कौन कौन सी सब्जियाँ लगाई जाती हैं। तो आपको पता ही है गर्मी के महीने में अपने गार्डन में सब्जियाँ लगाने का सबसे सही समय जो होता है वो मार्च और अप्रैल का ही होता है। मार्च अप्रैल में जो होता है टेम्परेचर बहुत बढ़िया रहता है सब्जियों को उगाने के लिए। तो इस महीने में क्या होता है कि दिन जो होते हैं वो लंबे हो जाते हैं और आपके पौधों को जो है पर्याप्त मात्रा में धूप मिल जाती है, तो ये बढ़ने उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो बात करते हैं कौन कौन सी सब्ज़ियाँ इस महीने में लगाई जाती हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको मैं बताऊँ कौन कौन सी सब्ज़ियाँ लगाई जाती हैं, वीडियो पूरी देखना। तो इस महीने लगाई जाती है गर्मी के टाइम पर गाजर लगाते हैं लोग, मूली लगती है, टमाटर लगाइए आप, पालक लगती है, खीरा लगता है, शिमला मिर्च लगती है, लौकी लगती है, कद्दू लगता है और प्याज लगता है, भिंडी लगती है, बैंगन, धनिया, करेला, तोरई, मिर्च, ये बहुत सारी सब्जियां इस महीने लगाई जाती हैं। तो आप भी अपने घर के आसपास अपने गार्डन को हरा भरा करना चाहते हैं या सब्जियां लगाना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि कौन कौन सी सब्जियां लगानी है, तो आप ये सब्जियां अपने गार्डन में उगा सकते हैं। ये मार्केट में भी अवेलेबल मिलती हैं, आपको पेड़ मिल जाते हैं बैंगन तुरई के, बैंगन शिमला मिर्च वगैरह के पेड़ तो मिल ही जाते हैं। ये अपने घर में भी एक क्यारी में उगा सकते हैं आप। तो ये सब्जियां आप अपने घर के आसपास लगाइए और अच्छा उत्पादन करिए, अच्छा पैसा कमाइए और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऑर्गेनिक तरीके से उगाइए। ऑर्गेनिक सबसे बेस्ट रहता है और जो बीज का उपयोग है वो हाइब्रिड बीज का उपयोग करें, उससे जल्दी उत्पादन अच्छा देते हैं वो और उनमें ज़्यादा ज़्यादा फूल आते हैं, ज़्यादा फल लगते हैं उनमें, तो हमारी सब्ज़ियाँ ज़्यादा मात्रा में हमको मिलेंगी उनसे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।